आज आई एम साकिब फ्रॉम चंदन क्यारी ब्लॉक। मैं आप लोगों को झारखंड पंजीकरण प्रपत्र भरने को सिखा रहा हूँ। आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहें और देखें कैसे करना है। इसका सबसे पहले साइट है झारखंड प्रवासी.in, इनका साइट का नाम है। इस वीडियो के साथ मैं लिंक दे दूंगा, इसके माध्यम से आप उसको फिलअप कर सकते हैं। इसको हम इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद इस तरह का पेज खुलेगा, झारखंड यात्रा पंजीकरण प्रपत्र। उन लोगों के लिए है जो झारखंड में निवास है, झारखंड से बिलोंग करते हैं और बाहर गए हैं, लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं, उसके लिए है। जो झारखंड सरकार अपने मुफ्त में ट्रेन के माध्यम हो, बस के माध्यम से उनको लाने के लिए ये सब ऑनलाइन करवाने के लिए बताया गया है। अगर आप, मैं झारखंड में जाना चाहता हूँ तो यहाँ झारखंड के निवासी है, झारखंड के लिए ये ऐप्स बनाया गया है, ये साइट बनाया गया है, तो हाँ लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद सबसे पहले व्यक्ति का जानकारी यानी पर्सनल डिटेल्स, वो कहाँ पर रहता है फ़िलहाल, तो उनका पहले मोबाइल नंबर मांगेगा। मोबाइल नंबर यहाँ फुटेज करेंगे। उसके बाद यात्री का नाम मांग रहा है, यात्री का नाम है, मेरे पास एक यात्री है उसका हम भर रहे हैं। उसके बाद उसका उम्र भर देंगे। उसके बाद उसका लिंग क्या है, पुरुष महिला अन्य, तो पुरुष लिख देंगे। उसके बाद यात्री का श्रेणी, यात्री की श्रेणी है प्रवासी मजदूर विद्यार्थी अन्य पेशेवर पर्यटक, मतलब कोई काम करने के लिए गया है, कोई स्टूडेंट पढ़ने के लिए गया है, कुछ काम से मतलब कोई यात्रा करने गया है, या तो फिर कोई तीर्थ यात्रा में गया, या मेडिकल जांच करने के लिए गया है, कुछ कारणवश गया है घूमने के लिए, टूरिस्ट है। तो दूसरा पैसा रहेगा तो अदर प्रोफेशनल में डाल सकते हैं। नहीं, ये मेरा जो लागू काया है, इसका जो है माइग्रेशन वर्कर है, ये काम करने के लिए गया है, प्रवासी मजदूर पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ आ जाएंगे वर्तमान स्थान झारखंड से बाहर, मतलब किस राज्य में ये अभी फ़िलहाल है, तो ये उड़ीसा में है। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद किस ज़िला में है, उड़ीसा में किस जगह, तो ये संबलपुर से है, संबलपुर डाल देंगे। शहर, कौन सा शहर में ये बिलोंग कर रहा है, वहाँ पर एड डाल देंगे। गुमले, इनका पोस्ट भी दिया है, झाकर, झाकर पाली, इनका थाना भी दिया है, कतर बगा। नियर अगर लैंडमार्क है कोई स्थान जो फेमस जगह है वो दे सकते हैं। नियर इसका गुमले है, गुमले लिखा हुआ है। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद पंजीकरण परिवार के सदस्य, ये परिवार एक ऐड हो चुका है, अगर इनके परिवार में और किसी का ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ उसके पहला इसका और इसके साथ है, इसका जैसे इसका पत्नी है इसके साथ, तो आप ऐड कर सकते हैं। लिखा है राजेदा बीवी, राजेदा खातून, ये महिला है, गर्भवती है, गर्भवती। तो इसके संबंध में कौन लगता है, वो जो हम लोग पहले ऐड किए हैं उसका संबंध में कौन है, तो इसकी वाइफ है, वाइफ डाल देंगे। इनका मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, इनका मोबाइल नंबर डाल देंगे। अब ये गर्भवती महिला है तो आप हाँ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे, तो ये महिला नहीं है तो नहीं करेंगे। स्थापन करने वाली महिला, ये इससे बिलोंग कर रही है तो हाँ लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे, ये तो नहीं कर रही है तो नहीं करेंगे, फिर नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ देखिए परिवार के सदस्य का विवरण, और अगर परिवार इसके साथ आना चाह रहे या है वहाँ पर फंसे हुए हैं तो आप हाँ करेंगे तो फिर नया खुल जाएगा। तो देखिए यहाँ दो खुल जाएगा, तो इसका दो बच्ची है, एक बच्ची है, एक बच्ची का नाम डालेंगे। इसका एक बच्ची है जिसका नाम है अलीजा प्रवीण, महिला है, संबंध कौन है, डॉक्टर है, बेटी है, बेटी भी लिख सकते हैं। यहाँ नो कर देंगे, नो कर देंगे, मोबाइल नंबर है तो दे सकते हैं, यहाँ नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद और अगर जोड़ना चाह रहे हैं और, तो आप हाँ करके
मिनिमम इसका 6 ही ऐड कर सकते हैं, 6 ही सदस्य जोड़ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जोड़ सकते हैं। इसका और नहीं है तो यहाँ नो कर लेंगे, इसके बाद यहाँ नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ का झारखंड का पता मांगेगा, झारखंड का पता, झारखंड में कहाँ से है तो ये बोकारो से है, बोकारो कर देंगे। प्रखंड कहाँ है, चंदन क्यारी। ग्राम पंचायत कहाँ है तो यहाँ एड्रेस डाल देंगे, एट नोडिया। पोस्ट ऑफिस बांसतोड़ा। पुलिस स्टेशन चंदन क्यारी। ग्राम डाल देंगे नोडिया। स्थान डाल देंगे चंदन क्यारी। अब यहाँ हम करेंगे नेक्स्ट। इसके बाद झारखंड में संपर्क व्यक्ति का विवरण, तो इससे जो इसका घर का यहाँ का मेंबर है जिसे आप कॉन्टेक्ट कर सकें तो उनका नाम डालना है, यहाँ का आजाद अंसारी, इसका फैमिली यहाँ पे घर चंदन कैरी में है, इसका नंबर यहाँ देना पड़ेगा, अब्दुल सत्तार सत्तार। इनका मोबाइल नंबर भी है 8651792981। अब यहाँ झारखंड का विवरण दे दिए जहाँ जो यहाँ पे बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ हम आपको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद एक घोषणा पत्र मिलेगा जिसमें पूरा साफ लिखा हुआ है, इसको पढ़ के उसके बाद यहाँ स्वीकार करता हूँ यहाँ पे क्लिक करके सबमिट कर देंगे तो ये आपका प्रपत्र झारखंड सरकार के लॉगिन पे चला गया। ये आप वहाँ से देख लेंगे, अब इसका लिस्ट उनके पास चला गया और ये 2 से 3 दिन के बाद या तो हो सके 24 घंटा से पहले इसको कॉल कर देंगे। कॉल करने के बाद उपरांत आप लोग को पता चलेगा कि कैसे आना है कैसे नहीं आना है, इन लोग डायरेक्शन देंगे। इससे मेरे वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, एंड लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।